हेलो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज हम डेज ऑफ द वीक पढ़ेंगे। एक वीक में कितने डेज होते हैं, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। वीक यानी कि हफ्ता और डे यानी कि दिन। तो आप जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आ जाइए फिर आज हम एक वीक के अंदर आने वाले इन 7 दिनों के बारे में, इन 7 डेज के बारे में, इन 7 डेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला डे आता है हमारा संडे। बिल्कुल सही बच्चों, जिस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी होती है, जिस दिन हमें कोई भी होमवर्क नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। और उस दिन हम खूब सारी मस्ती करते हैं, सुबह सुबह खेलने जाते हैं, क्योंकि उस दिन कोई भी होमवर्क कहीं भी नहीं जाना होता है ना, मतलब स्कूल हमारा उस दिन नहीं लगता है। खूब खेलते हैं, उसके बाद नहाते हैं और शाम को हम फुल एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ, है ना बच्चों? तो चलिए फिर संडे के बारे में हमने जाना। संडे को हिंदी में क्या कहते हैं? संडे को कहते हैं रविवार। चलिए इसकी स्पेलिंग देखते हैं और मेरे साथ साथ दोहराइएगा। SUNDAY, संडे। क्या बना? संडे। एक बार फिर से दोहराइएगा। SUNDAY, संडे। बहुत ही बढ़िया, संडे मतलब रविवार। अब देखते हैं कि हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होता है। तो संडे के बाद कौन सा दिन आता है? बिल्कुल सही, मंडे। मंडे के दिन हमें स्कूल जाना होता है, क्योंकि उस दिन हमें जो है संडे के बाद पहला दिन होता है जब हमारा स्कूल जो है जाना शुरू होता है, है ना? तो बिल्कुल सही। मंडे को हिंदी में क्या कहते हैं? सोमवार। मंडे की स्पेलिंग देखिए, MONDAY, मंडे। मंडे मतलब सोमवार। बहुत ही बढ़िया। और मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। बहुत ही बढ़िया, ट्यूसडे एक बहुत ही अच्छा दिन होता है ना, क्योंकि ये दिन बहुत ही बेहतर जाता है। तो चलिए फिर ट्यूसडे की स्पेलिंग देखते हैं। TUESDAY, ट्यूसडे। और ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार। बिल्कुल सही, मंगलवार। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। चलिए फिर अगला कौन सा डे है हमारा? फोर्थ डे। फोर्थ डे कौन सा होता है? तो फोर्थ डे होता है हमारा वेडनेसडे। बिल्कुल सही, वेडनेसडे मतलब बुधवार। बहुत ही बढ़िया, वेडनेसडे मतलब बुधवार। और वेडनेसडे की स्पेलिंग देखें अगर, तो WEDNESS, DAY। तो पूरा देखें तो क्या बन गया? वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब बुधवार। चलिए फिर इसकी स्पेलिंग मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइए। इसको हम 3 टुकड़ों में याद करेंगे। सबसे पहले WED, वेड। उसके बाद NESS, नेस। पूरा पढ़ें, WEDNESS, वेडनेस। और उसके बाद DAY, डे। तो पूरा क्या बन गया? वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या कहते हैं? वेडनेसडे को, यानी कि वेडनेसडे का मतलब हो गया बुधवार। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम थर्सडे की तरफ। बहुत ही बढ़िया। अब थर्सडे जो है हमारा हफ्ते का कौन सा वार होता है या फिर कौन सा डे होता है? तो हम जानते हैं कि हफ्ते का, वीक का जो 5th डे है वो हमारा थर्सडे होता है। तो चलिए फिर थर्सडे की स्पेलिंग देखते हैं। THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे की स्पेलिंग भी हमें टुकड़ों में याद करनी है। सबसे पहले THURSDAY, डे, थर्सडे। बहुत ही बढ़िया, थर्सडे। और थर्सडे को हिंदी में कहते हैं गुरुवार।
गुरुवार या फिर वीरवार, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो वीरवार या फिर गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, तो इन नामों से इसे जाना जाता है। तो आपको सिंपली वीरवार याद रखना है, थर्सडे यानी कि वीरवार। चलिए फिर अगला डे कौन सा है हमारा, सिक्स्थ डे है, छठा डे कौन सा है, तो छठा डे है फ्राइडे। और ये सबसे छोटी सी स्पेलिंग हमें आसानी से याद हो जाएगी, FRIDAY, फ्राइडे। बहुत ही बढ़िया है ना, एकदम सिंपल सी स्पेलिंग, FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। बहुत ही बढ़िया, आपको हो गई ना याद ये स्पेलिंग। चलिए फिर अब चलते हैं हमारे हफ्ते के अंतिम दिन पर, यानी वीक के लास्ट डे की बात करते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा डे आता है, तो सबसे लास्ट में आता है सैटरडे। और सैटरडे की स्पेलिंग भी हम टुकड़ों में याद करेंगे। देखिए फिर S A T, ये हो गया सेट। उसके बाद UR, पूरा क्या बना, SATUR, सेटर, और उसके बाद DAY यानी कि डे। तो ये बन गया हमारा सैटरडे। सैटरडे मतलब शनिवार, सैटरडे मतलब शनिवार। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो एक बार हिंदी में सभी दिनों को दोहरा लेते हैं कि हफ्ते में सात दिन, एक के बाद एक, हफ्ते में सात दिन कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हिंदी में दोहराते हैं, तो सबसे पहले होता है हमारा रविवार, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद वीरवार, और उसके बाद शुक्रवार, और अंत में आता है शनिवार। बहुत ही बढ़िया, तो ये हमने देखा सात दिन किस प्रकार से एक हफ्ते के दिन आते हैं। और एक हफ्ते के अंदर जब सात दिन आ जाते हैं, यानी जो अंतिम दिन होता है सैटरडे, उसके बाद नया हफ्ता शुरू हो जाता है और वापस से हम चले जाते हैं कहाँ पर, संडे के ऊपर। और वापिस से हमारे दिन आते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद फिर से अगला हफ्ता संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद वापिस से संडे। तो इस हिसाब से जो है हमारे जो वीक्स है वो चलते जाते हैं। एक बार चलिए इंग्लिश में सभी को दोहरा लेते हैं, SUNDAY, संडे। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपको केवल आगे की स्पेलिंग याद करनी है, लास्ट में तो आप देख सकते हैं सभी के पीछे डे लगा हुआ है, DAY, ठीक है। तो सभी के पीछे आपने DAY डे तो लगाना ही है, केवल आगे की स्पेलिंग आपको याद करनी है। देखिए सबसे पहले SUN और उसके बाद डे, MON उसके बाद डे, TUES ट्यूज उसके बाद डे यानी ट्यूसडे, और नेक्स्ट देखें वेडनेसडे, तो WEDNES वेडनेस और उसके बाद डे वेडनेसडे। और नेक्स्ट अगर देखें थर्सडे, तो इसमें THURS और उसके बाद डे थर्सडे। और नेक्स्ट देखें फ्राइडे, तो FRI उसके बाद डे। नेक्स्ट अगर देखें तो SATURDAY, सैटरडे, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो आपने वीक के सात दिनों को हिंदी में भी सीख लिया और वीक के सेवन डेज को आपने इंग्लिश में भी सीख लिया। तो बहुत ही मज़ा आया ना बच्चों, आज हमने हफ्ते के सात दिनों के बारे में सीखा। अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसी के साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी ये बोल करके सुनाना है, ठीक है ना, सुनाओगे ना। तो चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया, घर पर इसको दो तीन बार अवश्य दोहराइएगा। आज के लिए इतना ही, तो फिर मैं चलूँ, बाय बाय।